हो गया क्या, इसका क्या सेंस है यार। चलो अपन अपनी पढ़ाई की बात स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर बॉक्स से इसमें आखिरी बिगिनर बॉक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे है। उससे पहले जितने भी बिगिनर बॉक्स है, जितने भी बिगिनर बॉक्स है, सबके आपके सॉल्यूशन तो थे आपके पास। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बिगिनर बॉक्स के डाउट से स्टार्ट करते हैं अपन। तो डू यू हैव एनी डाउट इन एनी बिगिनर बॉक्स? मैं मेरे पास ओपन कर लेता हूँ मॉड्यूल, आप लोग आपके पास कर लीजिए और बताइए आपको अगर बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट है। चलो सब बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि हो गए सब। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर बिगिनर बॉक्स कंप्लीट हो गए तो फिर अपन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। BB7 का क्वेश्चन 2 आया और वेरिएबल म्यू वाला क्वेश्चन। वेरिएबल म्यू वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में भी करा था। वेरिएबल म्यू वाला क्वेश्चन तो मतलब बेसिकली पूरा क्लास में डिस्कस हो गया था, तो उसमें इतना डाउट होना नहीं चाहिए था। चलो अब मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, तो BB1 के लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। BB7 का भी आया है, BB1 का 5 क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। तो BB1 पे आ जाता हूँ मैं। चलो BB1 का मेरे पास एक तो लास्ट क्वेश्चन आया है। इसमें ऑब्जेक्ट फिक्स है यार और मिरर SHM कर रहा है। मिरर के रिलेटिव ऑब्जेक्ट SHM करेगा 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से, मिरर के रिलेटिव इमेज SHM करेगी 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से। अब वो मिरर भी SHM कर रहा था, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो डबल हो जाएगा। मतलब जैसे आप ऐसा सोच लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर की स्पीड भी है, तो इमेज की स्पीड निकालो। अब स्पीड डबल आ रही है तो वैसे एम्पलीट्यूड भी डबल आएगा, ठीक है। BB1 का लास्ट क्वेश्चन देव, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मिरर मूव कर रहा है, मिरर के रिलेटिव ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मिरर के रिलेटिव इमेज उल्टा मूव करेगी, मिरर भी मूव कर रहा है, तो नेट में इमेज की वेलोसिटी 2v हो जाएगी। अब वेलोसिटी 2v, तो उसी तरह से एम्पलीट्यूड भी 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलो BB1 का फिफ्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन द रे विल सफर। तो ये तो आसान क्वेश्चन है ना, इसमें तो हर 45 डिग्री के एंगल की वजह से हर एक रिफ्लेक्शन के बाद 10 सेंटीमीटर वेव आगे चलेगी। तो 10 सेंटीमीटर करते 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 2 मीटर में कितने रिफ्लेक्शन हो सकते हैं? 2 मीटर इज 200 सेंटीमीटर, 200 by 10 कर दो तो 20 रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग का रिफ्लेक्शन देखो थोड़ा सा अंदर हुआ है, तो आखिरी रिफ्लेक्शन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हो जाएगा तो होगा नहीं, वो है ना। आखिरी में एंड में क्या होगा कि लाइट रे थोड़ा सा कॉर्नर के साइड से निकल जाएगी, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन जो हुआ है ना, अगर आप ध्यान से देखे उसमें, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर से अंदर हुआ है, इसलिए जो आखिरी बार जैसे लाइट सपोज ऐसे ऐसे चल रही है, उसके 20 रिफ्लेक्शन हो गए और आखिरी रिफ्लेक्शन कॉर्नर से थोड़ी सी आगे से निकल जाएगी, तो 20 ही रिफ्लेक्शन होंगे। ऐसा लगता है लोगों को 21 हो जाएंगे पहला और आखिरी दोनों काउंट करके, ये 10 10 10 काउंट करके, पर 20 नहीं होंगे, केवल सॉरी 21 नहीं होंगे, 20 ही रिफ्लेक्शन होंगे, ये क्लियर। फिर आ रहा है एक BB1 का थर्ड वाले में ऑप्शन रॉन्ग है। BB1 का थर्ड वाले में बिल्कुल गलत, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर आता है 2 इंच, है ना। इनमें बोल रहा रॉन्ग आंसर दिया है, तो आंसर रॉन्ग नहीं है, आंसर 2 इंच है उसका, बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर रॉन्ग नहीं है उसका, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर 2 इंच है, ठीक है। चलो और स्पर्श बोल रहा है एक बार बता दो, तो ये सब तो आपको थ्योरी में डिस्कस कराया होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन आपको ह्यूमन जो पूरा फेस है ना, उसकी नाक भी देखना है, कान भी देखना है, तो दोनों देखने के लिए मिरर का साइज क्या चाहिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों देखने के लिए मिरर का साइज क्या होना चाहिए निकालना पड़ेगा। फिर से सुनो, दोनों कान भी देखना है, नाक भी देखना है, एक ही नाक होती है, नाक भी देखना है, तो उसके लिए मिरर का साइज निकालना पड़ेगा। ऐसा कुछ डायग्राम होगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे तो आपके पास सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। अगर आपको कान देखना है तो कान से लाइट रे आंखों में आ सकती है इस तरह से, तो उससे मिरर मिनिमम लगेगा। इधर वाले कान से लाइट रे उस वाले आंख में भेज दो, तो उससे मिरर मिनिमम लगेगा। इस तरह से जो मिरर का साइज निकलेगा वो 1 इंच आएगा, यहाँ पे अपन को 1 इंच साइज निकलेगा,
और डाटा वगैरह जो भी दिया उससे वन इंच आ जाएगा। पर आपको नाक भी तो देखना है, नाक देखने के लिए जो मिरर होना चाहिए तो ऐसा डायग्राम बनेगा कि नोज से लाइट है आईज में जा रही है, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो आपको ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली उसकी आधी डिस्टेंस का है मिरर लगने वाला है, तो ये डिस्टेंस कुछ आने वाली थी 4 इंच, तो ये 2 इंच का मिरर लगने वाला है ना। सिमिलर ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 2 इंच। अब कान देखने के लिए 1 ही इंच का मिरर रिक्वायर्ड होता है और नाक देखने के लिए 2 इंच का रिक्वायर्ड होता है, तो टोटल 2 इंच आंसर दे सकते हैं। यस ओके। फिर नोज क्यों देखना है भाई, पूरा फेस देखना है तो नोज भी देखनी पड़ेगी, है ना। किसी का डाउट था नोज क्यों देखना है, तो पूरा फेस में नोज भी आती है, नोज भी देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो बीबी वन कंप्लीट। बीबी वन में और कोई समस्या? ओके, बीबी वन के बाद आगे कोई हो तो बता दीजिए। बीबी टू से लेके बीबी टेन तक, 10, 11 जो भी लास्ट बिगिन बॉक्स है उसको छोड़ के। ऑल ओके, मैं सब कंप्लीट मान लू। प्रिज्म का बिगिन बॉक्स भी कराया ना आप सबने? चलो यस, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, यस ठीक है। तो फिर मैं मान रहा हूँ कि सारे बिगिनर बॉक्स कंप्लीट है, ओके। तो फिर आगे आ जाते हैं और एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। ऑल दो मैंने एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन आपको भेज दिए थे, तो आपको डाउट तो मेरे हिसाब से कम होना चाहिए, मिनिमम डाउट होना चाहिए। सिली डाउट तो शायद नहीं होंगे, है ना, छोटी मोटी गलती वाले क्वेश्चन तो आप देख ही लिए होंगे। तो अपन आ जाते हैं फिर एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 1, इसमें टोटल क्वेश्चन 27 है। तो पहले पेज पे 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज पे कोई भी डाउट एक्सरसाइज 1 में? फर्स्ट पेज पे कोई भी डाउट एक्सरसाइज 1 में? नो आया है मेरे पास रिप्लाई पुष्कर का। 23 आया है, पहले फर्स्ट पेज बोला मैंने। अर्नाउ फर्स्ट पेज पे 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में कोई डाउट? कोई भी नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज पे 19 तक क्वेश्चन है, 19 तक कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 15, ओके। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट 50 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म, द एंगल ऑफ इमरजेंस इज 40 डिग्री, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज। तो जो गिवन हमें डाटा है उससे जो डिविएशन होगा, वी डोंट नो वेदर इट इज मिनिमम और नॉट। तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन अभी के डिविएशन से तो कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो अभी का डिविएशन कितना है वो देखो बस इसके अंदर, ठीक है। 15th में एट प्रेजेंट जो डाटा दिया है आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा होता है, तो एट प्रेजेंट का डिविएशन है वो निकाल सकते हो। एट प्रेजेंट जो भी डिविएशन होगा मिनिमम विल बी लेसर देन दिस, तो आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो 15 का आंसर अच्छा, और आई और ई अनइक्वल दिए तो ये मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली जो मिनिमम डिविएशन होगा वो अभी के डिविएशन से कम है ना। आई और ई इक्वल तो है ही, तो इसका मतलब डेफिनेटली मिनिमम डिविएशन नहीं है अभी, ठीक है। चलो उसके बाद मेरे पास डाउट आया 11th में बोला है कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल एट 20 एंड डायमीटर 5 इज कट अलोंग द लाइन AB, द पार्ट ऑफ द लेंस शोन शेडेड इन द डायग्राम इज नाउ यूज्ड टू फॉर्म द इमेज ऑफ अ पॉइंट P, प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, द लाइन XY विच इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेंस, द इमेज ऑफ P विल बी फॉर्म। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से किधर है वो देखो आप। बस हमें बोला था जो मेन लेंस थी उसका डायमीटर था 5 सेंटीमीटर और अभी 2 सेंटीमीटर की लेंस कटी हुई है, तो इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो 0.5 सेंटीमीटर और नीचे होगा। दिस शुड बी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो उसके सेंटर पे होना चाहिए। अब ये क्योंकि 2 सेंटीमीटर है और सेंटर तो 2.5 पे आना चाहिए था, तो ये 0.5 सेंटीमीटर नीचे प्रिंसिपल एक्सिस का। तो इट प्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट है it is not on the principal axis, it is above principal axis like this, यहाँ object है, it is above the principal axis. So उसकी image क्या बनेगी, focal length क्या दी है lens की 20 और object 30 पर रखा है, तो image निकाल सकते हो क्या बनेगी, image should be inverted, तो image principal axis से नीचे कहीं बनने वाली है, ऐसा कुछ बनेगी। यहाँ object की कुछ height है 0.5, तो image की height पर निकाल लेना आप कितनी आएगी, ठीक है। तो आ गई image की, हाँ बोलो।
सर वो इमेज निकालने पे ना डिस्टेंस 60 आ रही है, तो मैग्निफिकेशन 2 होना चाहिए, -2, हाँ तो वो 1 सेंटीमीटर बिलो एक्सिस होना चाहिए वन आंसर। सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। हाँ, प्रिंसिपल। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ चलो ओके, 11th हो गया। उसके बाद और कोई डाउट 11th के अलावा? इस पेज पे 19 तक और कोई डाउट? नो, पक्का? किसी और का कोई नहीं है 19 तक? 18th आया मेरे पास, 18th। An infinitely long rod lies along the axis of concave mirror of focal length f. The near end of the rod is the distance u, which is greater than f from the mirror. The image will have length. जो इंफिनिटी पे एंड है उसकी इमेज फोकस पे बन जाएगी, और जो यू ग्रेटर देन एफ पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या बनेगी वो निकाल लो, तो फोकस से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। इसके लिए आप न्यूटन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखो न्यूटन फॉर्मूला अपने मॉडल में था, बताना रह गया था मेरा। मिरर के फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो x1 है, और जो भी इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस मान लो x2 है। तो एक इक्वेशन आया थी f² = x1 x2। अगर अपन मिरर फॉर्मूले में चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दे, हम u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसको लिख सकते हैं -x1+f, वेर f इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एंड v इसको लिख सकते हैं -x2+f, है ना, क्योंकि फोकस तक की डिस्टेंस f हो जाएगी। तो u और v को ये सब्स्टिट्यूट कर दो मिरर फॉर्मूले में और सॉल्व करो तो ये आ जाता है। तो इसे बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला। इस न्यूटन फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो हमें डिस्टेंस पूछी है वो तो फोकस से ही निकालना है हमें तो, है ना भाई। जो ऑब्जेक्ट यू से कुछ बड़े डिस्टेंस पर है, मतलब यू डिस्टेंस एफ से कुछ बड़ी है, तो x1 हो जाएगा u - f, x2 विल बी लेंथ ऑफ इमेज, बिकॉज इमेज का जो एक पॉइंट इन्फिनिटी पे उसकी इमेज फोकस पे आएगी और दूसरे पॉइंट की इमेज यहाँ कहीं बन रही है, तो ये शुड बी होना चाहिए लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज दिस शुड बी इक्वल टू f², तो लेंथ ऑफ इमेज आ गई हमारे पास देखो f² / u - f। कितना आसान हो गया। चलो और उसके बाद अब आपका डाउट आ रहा है मेरे पास 13, 16। ये वाला हो गया, 18th क्लियर? 18th क्लियर? यस ओके। 13 देख लेते फिर। क्वेश्चन नंबर 13, डाइवर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर शोन द फिगर। द लाइट फ्रॉम अ वेरी फार अवे सोर्स फॉल्स ऑन द लेंस। द फाइनल इमेज इज द डिस्टेंस। वेरी फार अवे सोर्स से लाइट आ रही, मतलब पैरेलल बीम आ रही थी, तो कॉन्केव लेंस से वो पहले तो उसको अपने फोकस पॉइंट पे मिलाएगी, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो पीछे 10 सेंटीमीटर आते दिखेगी। फिर मिरर है, मिरर से डी डिस्टेंस पे हमारे पास डी की दे रखा है, क्या डी 10 दे रखा है, तो मिरर से वो पॉइंट हो जाएगा 20 पर, तो मिरर उसके पीछे 20 पे इमेज बनाएगा। जो मिरर की इमेज आएगी वहां से लाइट रे फिर से लेंस पास होगी, तो लेंस को दिखेगा 30 पर, मिरर से पीछे 20, 20 में 10, तो लेंस से 30, लेंस से 30 पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्या बनेगी, निकाल दो आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसमें गड़बड़ क्या हुई थी आपने, मतलब मैंने तो कुछ करा ही नहीं है तो बस मैंने भूला, तो इसमें आ गया आपको? सर वो एक्चुअली मुझे लगा जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन है उसके बाद पूछी है, नहीं, मिरर से रिफ्लेक्शन। जब भी आपको सिस्टम में आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, रे डायग्राम बना लिया करो, तो आपको दिखेगा कि कितने कितने रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। और हमेशा जब फाइनल इमेज पूछते लोग, जैसे इसमें कुछ कहा नहीं ना, अच्छा लिखा है इसमें साफ साफ फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज अब निकाल सकते हो क्या बनेगी। चलो तो उसके बाद आया था 16, पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द कॉन्केव लेंस। द इमेजेस ऑफ ब्लू, रेड एंड ग्रीन लाइट आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ लेंस एट डिस्टेंस एक्स वाई जेड, द पोल ऑफ द लेंस। देन एक्स वाई जेड का रिलेशन बताना है। तो आप जानते होंगे कॉशीज इक्वेशन कि म्यू ऑफ वायलेट बड़ा होता है म्यू ऑफ रेड से और म्यू ऑफ ग्रीन से, म्यू ऑफ ग्रीन और म्यू ऑफ रेड से, ठीक है। हमें ग्रीन कलर बोला है ना बीच वाला, ब्लू रेड ग्रीन, यस ठीक है। सो म्यू का ये रिलेशन होता है, इसमें कोई समस्या? रिफ्रैक्शन में कॉशीज इक्वेशन बताते हैं हसनैन, ये तो अपन ने क्लास में पढ़ा है yes, ना? हाँ, बाकी बच्चे जो नो बोल रहे हैं, विबग्योर के ऑर्डर में देखो कॉशीज इक्वेशन क्या है, मैं बता देता हूं अगर याद नहीं आ रही आपको तो। म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल
वो हम कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और उसको एक्सपांड करें तो इस तरह से वेरी करता है. म्यू ऑफ अ मटेरियल किसी मटेरियल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ए विच इज अ कॉन्स्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा की पावर 4 एंड सो ऑन. इस तरह से डिपेंडेंट होता है. इस इक्वेशन को बोलते हैं कॉशी इक्वेशन. तो आपको इस इक्वेशन से ये बात समझना है कि म्यू जो है वो रफली लैम्डा से इनवर्स डिपेंडेंट है. मतलब लैम्डा अगर बढ़ाएंगे दिस इंप्लाइज दैट म्यू विल डिक्रीज. और विबग्योर के ऑर्डर में वेवलेंथ बढ़ती है. इन ऑर्डर ऑफ विबग्योर वेवलेंथ एक्चुअली इंक्रीजेस. वेवलेंथ बढ़ेगी तो म्यू डिक्रीज होगा. तो म्यू ऑफ वायलेट से म्यू ऑफ रेड कम हो जाएगा. मतलब इस ऑर्डर में पूरा म्यू कम होता जाता है. यहां तक समझ में आ गई बात? यहां तक कोई भी डाउट? चलो पॉजिटिव इक्वेशन क्लियर है सबको, है ना. अब किसी भी लेंस की फोकल लेंथ जो होती है, याद करो फोकल लेंथ को अपन लिखते थे म्यू माइनस वन इंटू वन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का डिफरेंस ले लेते थे कुछ इस तरह से. और ये म्यू तो कलर पर डिपेंडेंट है, अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग है. तो दिस फोकल लेंथ विल बी डिफरेंट, है ना. म्यू सबसे ज्यादा किसका है? वॉयलेट का. म्यू ज्यादा तो फोकल लेंथ कम आएगी. तो फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट विल बी लेस फोकल लेंथ ऑफ ग्रीन से और फोकल लेंथ ऑफ रेड से, है ना. म्यू बढ़ेगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, म्यू कम होगा तो फोकल लेंथ बढ़ती जाएगी. सही है? देखो सब बच्चे, अब सुशांत पूछ रहा है मेरे से क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है क्या म्यू पर कलर पे. हाँ, तो क्रिटिकल एंगल भी तो डिपेंडेंट होता है ना वेवलेंथ म्यू पे, और म्यू डिपेंडेंट है वेवलेंथ पे. अलग अलग कलर के क्रिटिकल एंगल अलग अलग आते हैं. ठीक है, डिफरेंट कलर्स के क्रिटिकल एंगल अलग अलग आते हैं, है ना. वेवलेंथ बढ़ाने पे म्यू कम होता है, और म्यू कम होगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा. क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा मतलब क्रिटिकल एंगल का ठीक उल्टा ऑर्डर होना चाहिए. क्रिटिकल एंगल रेड का ज्यादा होना चाहिए, उससे ग्रीन का कम होगा, और सबसे कम क्रिटिकल होगा वॉयलेट का. मतलब अगर विबग्योर के सारे कलर्स एक सरफेस पे आ रहे हैं, देन मीडियम से एक सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं. मान लो यहाँ पे विबग्योर के सारे कलर आ रहे हैं, ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कलर का टीआर हो जाए और कुछ कलर बाहर आ जाए. मान लो कि ये एंगल एग्जैक्टली ग्रीन के क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ग्रीन का क्रिटिकल वॉयलेट से ज्यादा है. इसका मतलब वॉयलेट का तो टीआर हो गया होगा. दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ वॉयलेट. वॉयलेट के क्रिटिकल से बड़ा एंगल है तो वॉयलेट का तो टीआर हो जाएगा. ग्रीन का क्रिटिकल एंगल था तो ग्रीन कलर जब सरफेस को ग्रेस करते हो जाएगा, और रेड के क्रिटिकल से छोटा ही है तो रेड का टीआर नहीं होगा, रेड बाहर आ जाएगा लाइक दिस. तो अगर व्हाइट लाइट सरफेस पे गिरती है ना, तो डिफरेंट कलर सेपरेट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस कलर के क्रिटिकल एंगल के बराबर इंसिडेंस एंगल है. समझ में आ रही बात ये? चलो, तो मुझे लगता है अभी क्वेश्चन हो गया, है ना. इस क्वेश्चन की सारी थ्योरी भी देखी आपने क्या थी. अब तो क्लियर है क्वेश्चन ये सर. yes. लेकिन वो ऑर्डर अरेंज करेंगे तो x less than y less than z होगा ना. कौन सी लेंस से ये भी देख लेना, कॉन्वेक्स ही है ना. हाँ तो ठीक है. और ब्लू रेड ग्रीन, तो ब्लू की फोकल लेंथ होगी सबसे छोटी, मतलब कि x शुड बी लेस देन ग्रीन. ब्लू बोला है फिर रेड फिर ग्रीन बोला है, तो x less than z less than y ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना. तो सी आना चाहिए आंसर, सी x less than z फिर less than y, तो सी आंसर आना चाहिए. ठीक है, क्या दिया उन लोगों ने, क्या दिया है? सी दिया है तो ठीक दिया, सी ही दिया है सर. फिर तो सही दिया है ना, फिर तो क्या दिक्कत है. समझ में आया नहीं आया? हाँ सर आ गया. चलो और बताओ, फिर 27 तक आ जाए, फिर इस पेज के सब कंप्लीट, तो फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अपन 20 to 27. तो मेरे पास डाउट काफी आ रहे हैं, 20 आ रहा है, 27 आ रहा है, और 20 भी आ रहा है. 20, 27, 23 करते एक एक करके. पहले 20. A diminished image of an object is to be formed on a large screen 1 meter from it. एक ऑब्जेक्ट से 1 meter दूर स्क्रीन है, उस पर डिमिनिश इमेज चाहिए आपको. स्क्रीन पर इमेज चाहिए मतलब रियल इमेज होना चाहिए. डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी. तो अभी आगे क्या लिखा है देखते.
दिस कैन बी अचीव्ड बाय, अच्छा ये कैसे करवा सकते हैं लिखा है, पहले में लिखा है यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से क्या अपन रियल इमेज बना पाते रियल ऑब्जेक्ट की? नहीं सर। नहीं, तो कॉन्वेक्स मिरर तो गलत हो गया। दूसरा कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ लेस देन 0.25, कॉन्केव मिरर ले सकते हैं क्या? हाँ, कॉन्केव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है ना। आपको छोटी इमेज चाहिए तो छोटी इमेज होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज चाहिए। तो कैसा रखा होगा अपन ने सिस्टम पूरा, कैसा बनाया होगा? ये कॉन्केव मिरर होगा, ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज चाहिए ना, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो बिटवीन बियॉन्ड 2f होना चाहिए, बियॉन्ड c होना चाहिए, और यहाँ f और c के बीच में छोटी सी इमेज बन जाएगी, ऐसा कुछ होना चाहिए ना? पर सर स्क्रीन तो अपोजिट साइड पे है ना। स्क्रीन क्या? स्क्रीन तो अपोजिट साइड पे है ना। ये किसने कहा, कहा लिखा हुआ है सर? सर मतलब अगर सामने स्क्रीन होती तो फिर लाइट नहीं जा पाती। पर छोटी इमेज कैसे बनवा पाएंगे फिर अपन स्क्रीन पे, बोलो। लेंस भी है ना आगे, कॉन्वेक्स लेंस, उससे बन जाएगी सी ऑप्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ मतलब सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने बाकी ऑप्शन देखे नहीं। चलो तो ये डाउट था, सही था आपका बिल्कुल, कि ऑब्जेक्ट से स्क्रीन यहाँ पे बड़ी बोली है बहुत, तो स्क्रीन के पीछे अगर मिरर रखेंगे तो लाइट तो स्क्रीन की वजह से जा ही नहीं पाएगी मिरर पे। यू आर करेक्ट। चलो आगे बढ़ते, फिर सी और डी में कॉन्वेक्स लेंस भी, तो लेंस से करवा सकते हैं अपन, बिल्कुल सही। तो सी में लिखा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ लेस देन 0.25, है ना, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस 1 मीटर चाहिए आपको, और रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है, मिनिमम डिस्टेंस जो होती है 4f होती है, या 4f से बड़ी डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि 1 मीटर शुड बी ग्रेटर देन 4f, तो इसका मतलब f शुड बी लेस देन 0.25। तो यही लिखा उन लोगों ने भी, सही लिखा फिर तो, है ना। चलो ओके, वेरी गुड। और बताओ फिर 20 का 23 आया था मेरे पास डाउन सर, उसमें सिर्फ सी पार्ट 23 पार्ट। टू प्लेन मिरर एट एन एंगल सच दैट द रे इंसिडेंट ऑन द मिरर अंडरगोस टोटल डिविजन ऑफ 240 डिग्री आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, सी पार्ट, द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5 इफ द ऑब्जेक्ट इज केस्ड एसिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर्स। तो नंबर ऑफ इमेजेस निकाल लो ना, मिरर के बीच का एंगल पता चल गया आपको सर, वो 60 आ रहा है एंगल तो, पर अनसिमेट्रिकल रखेंगे ना तो 6 इमेजेस बन जाएगी। कैसे सर? वो एंगल्स डाल डाल के बनाई मतलब इमेजेस। आर यू श्योर? हाँ सर, मतलब अलग ही आ रही है, क्योंकि वो मतलब कुछ थीटा मान लिया एंगल किसी एक मिरर से, तो दूसरे से 60 माइनस थीटा। चलो रुको, एक से मान लेते 20 तो दूसरे से 40 है ना, अगली में 20 प्लस 60 कितने पे आ जाएगी, 80, 40 प्लस 60 कितने पे आ जाएगी, 100, ये आ गए 160, ये आ गए 100 एंड 60 जोड़ो इसमें 140, और नहीं जोड़ सकते, चेक करो कितनी इमेजेस है, 6, आखिरी की इमेज चेक करो कौन साइड तो नहीं कर रही, 140 प्लस 160 प्लस मिरर के बीच का एंगल चेक करो क्या आ रहा है, दिस इज 360, तो ये कौन साइड कर रही है, इसका मतलब कितनी इमेजेस हो गई, 5। क्या पूछा सर? वो एंड में आपने कैसे किया, अपन तो 180 प्लस अल्फा से चेक करते ना, 180 अपन जैसे चेक करना होता है कोइंसाइड कर रही है कि नहीं, तो 180 प्लस अल्फा या 180 प्लस बीटा, अरे सॉरी लास्ट एंगल प्लस अल्फा या लास्ट एंगल प्लस बीटा से करता है ना, ये मैंने पढ़ाया था ना आपको। हाँ तो लास्ट एंगल प्लस मिरर के बीच का एंगल ऐड करते ना इसमें, तो अल्फा बीटा थोड़ी करते। हाँ मतलब ये लास्ट एंगल प्लस मिरर के बीच का एंगल इन सबको ऐड करो 360 आ जाए, तो कौन साइड हो रही है, नहीं आया तो कौन साइड नहीं हो रही, कुछ गलत याद हो गया आपको। ठीक है सर, है ना, लास्ट एंगल प्लस मिरर के बीच का एंगल इन सबको ऐड करो, तो देखो अगर 360 आ जाए तो कौन साइड कर रही है, नहीं आया तो कौन साइड नहीं कर रही। ठीक, फर्स्ट करते हैं अपन, अभी जो काम चल रहा है पहले वो देख लेते हैं। वन और मोर देन करेक्ट, तो बताओ इन 23 हो गया अपना, उसके बाद क्या डाउट आया था, 27 टू लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट
टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट मेड ऑफ मटेरियल विद डिस्पर्सिव पावर इन द रेशो 2:1. यार ये डिस्पर्सिव पावर वाला पढ़ा नहीं है आपने, तो इसलिए आपसे होगा नहीं है, है ना. सो ठीक है प्रभांशु, देखते तो ये वाला क्वेश्चन 27 तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि अभी पढ़ाएंगे आपने. ठीक है चलो फिर आगे बढ़े, एक्सरसाइज 2 पे आ जाए. तो एक्सरसाइज 2 का दूसरा क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन ह्यूमन आई का, ये पूरा 10th क्लास पे बेस्ड है. तो अगर अभी तो मैंने वैसे पढ़ाया नहीं आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा बहुत भी 10th का याद है तो आप ये कर सकते थे. और वैसे इन्होंने कैसे करना है पूरा लिख दिया है. ठीक है तो जो भी बच्चा ढंग से पढ़ेगा उसको ये उसका ये क्वेश्चन हो जाएगा. जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ेगा ये पूरा पैराग्राफ उसका ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना. और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप ढंग से पढ़ नहीं रहे. ठीक है तो जिसका भी ये डाउट है अगर कॉम्प्रिहेंशन 2 अगर करा हो नहीं आया हो तो उन्हें मैं बोलूंगा कि यार वापस से अच्छे से पढ़ो, है ना. एग्जाम में जब अपन को नया टाइप का कुछ अपन ने जो पढ़ा हुआ है थ्योरी उससे रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर किस तरह से अच्छी अप्रोच करना रहती है. वो ऐसे ही होता है कि जैसे बिना पढ़े क्वेश्चन आते एग्जाम में तो उस ये क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो. ठीक है चलो तो कॉम्प्रिहेंशन 2 पूरा कर लेना है. कॉम्प्रिहेंशन 3, यस कॉम्प्रिहेंशन 3 भी पूरा कर सकते हो आप, है ना. इसमें जो थ्योरी दी है पूरे पढ़ के कॉम्प्रिहेंशन 3 भी पूरा कर सकते हो. तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, कॉम्प्रिहेंशन तो कभी छोड़ना ही नहीं होता क्योंकि उसमें सारी थ्योरी लिखी रहती है. ठीक है हाँ प्रभांशु देखते हैं, अभी अपन जो बात कर रहे हैं उस पर आ जाइए. तो कॉम्प्रिहेंशन 1, कॉम्प्रिहेंशन 1 हुआ क्या, कॉम्प्रिहेंशन 1 हो गया क्या. चलो कोई डाउट किसी को कॉम्प्रिहेंशन 1 में, नो कोई डाउट नहीं बोल रहे, ओके वेरी गुड. फिर कॉम्प्रिहेंशन 2 और कॉम्प्रिहेंशन 3 मैं आपको समझा रहा हूं. देखो अगर आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है सो यू नीड टू डेवलप क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी. तो जितनी थ्योरी आपकी हुई है उससे आप कॉम्प्रिहेंशन 2 और कॉम्प्रिहेंशन 3 पूरा कर सकते हो. ठीक है ये विश्वास करो पूरा कर सकते हो. अब आप अच्छे से पढ़ो बस क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू देन सॉल्व ऑल द पार्ट्स. ठीक है तो कॉम्प्रिहेंशन 2 और कॉम्प्रिहेंशन 3 के बारे में तो यही बोलूंगा बच्चों, अगर आपको जेई के लिए अपने आप को डेवलप करना है तो आपको ये खुद से करना चाहिए. ठीक है ऑल्दो ये नहीं पढ़ाया मैंने, ऑल्दो ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में, बट स्टिल आप खुद से कर सकते हो. ठीक चलो उसके बाद फिर आ जाते हैं अपने मैच द कॉलम्स पे. तो मैच द कॉलम में 14 बताओ कोई डाउट, 14 15 16 17 चार मैच द कॉलम है, किसी में कोई भी डाउट, नो बहुत बढ़िया कोई भी डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है. फिर तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाओ, 31 क्वेश्चन से सब्जेक्टिव में 18 to 31 इनमें कोई डाउट, 23 ईशान करके लाना था, दिस इज नो टाइम टू एक्सक्यूज, है ना ये आपकी गलती नहीं करके लाए हो. तो 23 और 28 मेरे पास दो डाउट आए, 23 एंड 28. और जिन बच्चों ने करा नहीं है दिस इज वेरी बैड कि आप एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हो जबकि आपको बोला है. तो आपको जितना अभी समय मिल रहा है बहुत ज्यादा समय है आपके पास, अभी दो ही सब्जेक्ट चल रहे हैं, अभी नहीं कर सकते तो फिर आप कभी नहीं कर सकते. ठीक है तो जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ना वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो उनका पूरा जेई बिगाड़ लेंगे. ठीक है अगर अभी आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो कि एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो फिर कब करोगे. ठीक है चलो मतलब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहता हूँ, अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ सो ये आपके बेटरमेंट के लिए. अगर आप अभी इतनी भी मेहनत नहीं करोगे एक्सरसाइज वगैरह करने की तो फिर आप जेई कैसे कर पाओगे. ठीक है चलो 24 भी है हमारे पास डाउट, 24 भी डाउट है ना. सभी बच्चों को समझा रहा हूं अभी से मैं, जेई डिमांड्स वेरी हार्ड वर्क, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है. अगर आप लोग अभी दिन के पूरे टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपका जेई में सिलेक्शन मुश्किल है ना. आपको क्लासेस के अलावा जितना अभी समय मिल रहा है ना इसमें आपको पूरे टाइम पढ़ाई करना चाहिए, खूब क्वेश्चंस क्वेश्चंस करना चाहिए, 11th का रिवीजन कंप्लीट कर लेना चाहिए. ठीक है अभी अगर थोड़ा भी टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हो, वेदर वो आप कोई सीरीज देख रहे हो
कोई आप टाइम पास फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, जो भी बेवकूफी टाइप कर रहे हो, तो आप आपकी ही जो प्रीशियस टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हो, समझे। चलो आगे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23। लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस पॉइंट ऑन द लोअर फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब 2 सेंटीमीटर थिक स्ट्राइक्स द अपर फेस एंड टोटली रिफ्लेक्टेड रेस आउटलाइन अ सर्कल ऑफ 3.2 सेंटीमीटर रेडियस ऑन द लोअर फेस। फिर से पढ़ते लैंग्वेज। लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस पॉइंट ऑन द लोअर फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब 2 सेंटीमीटर थिक। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसके लोअर फेस से लाइट जा रही है, यहां से कहीं से लाइट रे जा रही है, थिकनेस दे दी है, स्ट्राइक द अपर फेस एंड टीआईआर हो रहा है और 3.2 सेंटीमीटर का लोअर फेस पे सर्कल बन रहा है। तो मेरे पास डाउट आया है कि कुछ क्वेश्चन में टाइम बहुत लग जाता है, तो जिनमें टाइम बहुत लगता है उसको कोशिश करो जल्दी करने की। मतलब आप लोग अगर टाइम लग रहा है मतलब कुछ गलत कर रहे हो डेफिनेटली, या तो कुछ कुछ लैंग्वेज में गलत समझ रहे हो, तो ट्राई टू लुक फॉर द पॉसिबल कॉजेस ऑफ टाइम लैग, है ना, क्या क्या हो सकता है, हमारी गलतियां क्या हो रही है, सोचा करो। चलो तो यहाँ पे लाइट जा रही है, टी आई आर हो रहा है, अच्छा टी आई आर होगा तो ये एंगल सी या उससे बड़ा होगा, जस्ट सी से बड़ा होगा, जस्ट ग्रेटर देन सी होगा तब भी टी आई आर हो जाता है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन होनी चाहिए कि ये एंगल सी से थोड़ा सा बड़ा है, तो इधर भी सी से थोड़ा सा बड़ा एंगल है। अब ये हाइट तुम्हें पता है 2 सेंटीमीटर, तो तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। अच्छा तुम्हें तो सी निकालना है, एक्चुअली म्यू निकालना है आपको, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ये डिस्टेंस दे दिए 3.2 सेंटीमीटर, तो आपको ये हाइट भी पता है 2 सेंटीमीटर है, तो सी निकाल सकते हो ना। देखो बताओ टेन सी क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल से, टेन सी शुड बी दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका हाफ हो जाएगा 1.6 और बेस 2 सेंटीमीटर, तो टेन सी हो जाना चाहिए, और टेन सी अगर आ गया तो यू कैन कैलकुलेट म्यू। आ गया समझ में ये 23। बोलो जिसका भी डाउट था थोड़ा क्लियर हो रहा है क्या सर? टोटली रिफ्लेक्टेड रेडियस ऑन द लोअर फेस का क्या मीनिंग है? देखो ये जो सोर्स है उस सोर्स से लाइट रे पूरे एक 3D में जाएगी, टकराएगी और नीचे आएगी, तो 3D में पूरा सोचोगे तो सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे एक सर्कल जैसा दिखेगा। याद करो कोन ऑफ इल्यूमिनेंस टाइप कुछ पढ़ा था अपन ने, तो लोअर सर्फेस पे ना कोन एक सर्फेस एक हमें ऐसा सर्कल जैसा दिखेगा बाय दिस रिफ्लेक्टेड रेस। जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही है दे विल फॉर्म अ सर्कल लाइक दिस, 3D में सोचो पूरा एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल की रेडियस आपको देती थी 3.2 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में? थोड़ा सा कोन ऑफ इल्यूमिनेंस टाइप का कॉन्सेप्ट है 3D में सोचोगे तो। चलो सो इसके आगे हो जाएगा कि अब आपसे टेन सी निकल गया तो फिर म्यू तो निकाल लोगे मुझे ऐसा लग रहा है। ओके और किसी को कोई डाउट इसमें? कुछ भी कंप्लीट हो गया ये? आगे बढ़ते फिर 23 के बाद 24 पे आते थे। 24 नंबर क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर विद सेंटर सी एज शोन इन द फिगर। द रे इमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन AB। फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन बोला है कि AB के पैरेलल बाहर आ रही है ना, तो अपन एक काम करते पहले तो डायग्राम बनाते क्वेश्चन का क्या है, ऐसा कुछ है ये हमको कुछ AB लाइन दी है और लाइट रे यहाँ पर कहीं पे इंसिडेंट हो रही है, मैंने अभी ब्लैक से दिखा दी लाइट और AB के पैरेलल निकल रही है, तो मुझे नहीं पता कहाँ से निकल रही है, ऐसे रेंडमली मैंने बना दिया, ऐसे रेंडमली किसी जगह से दिखा दी मैंने, दिस इज पैरेलल टू AB ऐसा क्वेश्चन बोला है, तो बीच में कुछ ऐसी जानी चाहिए लाइट रे, है ना, बाहर ये 60 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर भी नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल पर जाएगी, ये 60 होना चाहिए, am I right? भाई जब 60 से अंदर किसी एंगल R पे गई, ये R तो ये भी तो R होगा बिकॉज दिस विल बी एन आइसोस्कलस ट्रायंगल और यहाँ R है तो यहाँ भी तो 60 होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये तो 25 हो गया मेरा, सॉरी हाँ गलत कर दिया अपन ने, है ना, मैंने 25 कर लिया, 25 तो करना ही था, 24 करते है ना, ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी 24 पे आते।
A fish is rising up vertically inside a pond with a velocity 4 cm per second, notices a bird which is diving vertically downward and the velocity appears to be 16 cm per second with respect to fish. What is the real velocity of the diving bird reflected into the water? This 4/3. Chalo. So fish ko aisa lag raha hai ki bird 16 se dive kar raha hai. Fish ko lag raha hai. Hai na? So fish ko bird ki speed kya lagti hai? Wo apan nikal lete pehle to. Fish ko bird ki speed kya lagti hai? Wo pehle nikal lete. मान लेते हैं ये फिश थी, इधर बर्ड था, ठीक है, बर्ड डाइव कर रहा था नीचे V1 से, फिश ऊपर जा रही V2 से, फिश को बर्ड की स्पीड क्या दिखती है? तो फिश देखेगी 4/3 से, ये डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज बाय म्यू करेंगे तो V2 बाय म्यू आएगा और V1 बाय एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा. तो बर्ड की अपेरेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फिश ये होना चाहिए थी, V2 प्लस 4/3 V1. इसमें से शायद टोटल वैल्यू पता है आपको 16 है, इसमें से कोई एक चीज पता है तो दूसरी चीज निकल जाएगी, हो जाएगा. चलो, मेरे पास डाउट आ रहा है कि सोहम बोल रहा है कि 24 में वेलोसिटी के साइंस क्यों नहीं लिए सॉल्व करने में. साइंस बेटा, मैंने एक्चुअली साइन, मुझे पता है कि दोनों ही डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो दोनों ही नेगेटिव है ना, तो साइन इस तरह से ले सकते हैं अपन कि दोनों ही नेगेटिव है, तो इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव, तो वो कैंसिल आउट ही कर दिया मैंने. ठीक है, हमें पता है ना ऑलरेडी कि भैया ये बर्ड डाइव कर रहा है डाउनवर्ड, फिश ऊपर जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी नेगेटिव है और ये अपेरेंट वेलोसिटी भी नेगेटिव थी, तो सब तरफ नेगेटिव लगाने से अच्छा मैंने सब तरफ नेगेटिव कैंसिल ही कर दिया. ठीक है, चलो, तो अब हो जाएगा क्या, ये 16 दिया था और इनमें से कोई सी चीज दी आपको, 4 दिए, क्या दिए, ये फिश की वेलोसिटी 4 दी है, ये V2 4 है, तो ये 4 रखो तो फिर निकाल सकते हो शायद, हो जाएगा. ओके, उसके बाद है 28, क्वेश्चन नंबर 28. एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द थिन लेंस एंड द इमेज इज फॉर्म दिस रियल. द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम लेंस एंड इमेज इज फॉर्म दिस वर्चुअल. इफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड आर इक्वल देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. दोनों केस का मैग्निफिकेशन सेम है मैग्नीट्यूड में, तो लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो. मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ व्यू पता है ना आपको क्या होता है, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ व्यू पता है ना आपको, फॉर्मूला लगाओ, एक केस में प्लस एक केस में माइनस है वो, तो दोनों को इक्वेट कर देना साइन अपोजिट करके. अच्छा, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ व्यू होता क्या है, एफ अपॉन एफ माइनस यू एफ प्लस यू आता है क्या, देखो बताओ लेंथ में ये आता है क्या, मैग्निफिकेशन वी बाय यू होता है लेंथ में, 1/F = 1/V + -1/U होता है. इस पूरी इक्वेशन को U से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये हो गया टर्म 1, इसको उधर लाओ, तो U/F + 1 = U/V है ना, यहाँ पे LCM ले लो और उल्टा कर दो, तो F/F + U आ जाएगा V/U, तो मैग्निफिकेशन होता है F/F + U. तो एक केस में मैग्निफिकेशन U की वैल्यू पता है, दूसरे केस की पता है, एक केस में रियल एक केस में वर्चुअल है. अच्छा, रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी, तो इन वन केस मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ एफ प्लस जो भी U1 की वैल्यू है वो रख देना, है ना, साइन के साथ रखना उसको, माइनस में रखना, -F/F + U2 को भी साइन रखना, और बीच में माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने वाला है. कुछ पूछा तो समझ में आया? यस सर. सर इसमें लेकिन आंसर 11 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन और 0.1 मीटर बिहाइंड द मिरर के दिया है. क्या बोलो, फिर से बोलो. फिर एक और मतलब और में दिया है कि 0.1 मीटर बिहाइंड द मिरर. मिरर? हाँ सर. इफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड आर इक्वल फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. क्वालिटी वगैरह तो नहीं बन रही यहाँ से, ये क्वालिटी बनेगी ना? नहीं सर, ये सी एक ही वैल्यू आ रही है. चलो ज्यादा कर दो, नहीं होगा कैंसिल. क्वालिटी बनेगी तो दो वैल्यू आ जाएगी शायद. सर शायद वो 11 सेंटीमीटर को अप्रोक्सीमेट करके 0.1 मीटर नहीं लिख दिया, मतलब और लिखने के लिए मीटर में. अब देखो इसके दो आंसर आ रहे होंगे, क्या क्वालिटी बन रही है कि नहीं बताओ.
ऑलरेडी बन रही कि नहीं ये बताओ पहले तो जल्दी से। डिस्कशन का मतलब हमेशा दोनों तरफ से होता है, सिर्फ मैं बोलूँ आप सुनो ऐसा नहीं होता। हाँ तो डिस्कशन में पूछूंगा कुछ तो आपको बताना है। नहीं सर नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो सिंगल आंसर आ रहा है तो सिंगल आंसर दे देना बस, फिर और क्या, कुछ गलत प्रिंट होगा पीछे। ठीक है पॉलिटिक बन रही हो अगर तो दो आंसर आ रहे हैं, नहीं बन रही हो तो एक ही आंसर है। लेंस बोला है तो लेंस तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी और क्या। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास 31 भी आ रहा है डाउट, मतलब ये दूसरा वाला आंसर गलत है। अब देखो मैं सॉल्यूशन मैंने देखा नहीं, कि सॉल्यूशन देखा आपने, सॉल्यूशन में एक ही आंसर आ रहा है। हाँ सर एक ही आ रहा है। आप कुछ गलत दे दिया उन्होंने, प्रिंट गलत कर दिया होगा कुछ, है ना। चलो देखो पूरा मैंने सॉल्व करा नहीं है, आप लोग बोल रहे हो क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है तो मैं आप पे मान रहा हूँ क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, तो सिंगल आंसर आ गया फिर, है ना। तो फिर दो का चांस ही नहीं होना चाहिए फिर तो। चलो उसके बाद आ जाते हैं 31। इक्विलेटरल प्रिज्म डिविएट्स अ रे थ्रू 23 डिग्री फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस डिफरिंग बाय 23 डिग्री, फाइंड म्यू ऑफ द प्रिज्म। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिनका डिफरेंस 23 है और दोनों पे ही सेम डिविएशन मिल रहा है आपको, ऐसा कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिनका डिफरेंस 23 है, तो दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे सेम डिविएशन मिलता है वो तो आई और ई के पेयर होते ना, तो आपको समझ में आ गया कि ई माइनस आई 23 है और डिविएशन 23 है। डिविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए, इक्विलेटरल है तो ए 60 होगा, तो आई और ई मिल जाएगा यहां से, है ना। फिर पूछा क्या जो भी निकाल देना। तो समझ में आया, म्यू पूछा है प्रिज्म का तो म्यू निकाल लेना फिर। फिर क्या करोगे, आई और ई निकल गए, उसके बाद म्यू के लिए लगा देना साइन आई बाय साइन आर वन इक्वल टू साइन ऑफ ई बाय साइन ऑफ आर टू, और आर वन प्लस आर टू क्या होता है ए 60 डिग्री। तो ये सॉल्व कर लेना फिर आगे हो जाएगा। आयुष 31 में डाउट था आपको, ये समझ में आ रहा है मैंने जो बताया, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है, हिंट ही दिए मैंने, नहीं आया तो फिर बताओ तो उसको अपन आगे करेंगे। डन ओके वेरी गुड। चलो तो फिर ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन, ये क्वेश्चन कुछ बचे हैं, वैसे तो आते नहीं आजकल जेई में, ये अपने मॉड्यूल में है, फिर भी चलो कर लेते हैं अपन। तो बताओ कोई डाउट है क्या इनमें, ट्रू फॉल्स या असर्शन रीजन में कोई डाउट। 36 आया मेरे पास एक क्वेश्चन, 36 देखते। अ फ्लैट बॉटम ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज सिल्वर, फ्लैट बॉटम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज सिल्वर एंड वाटर इज फिल्ड इन टैंक अप टू हाइट एच, अ स्मॉल बॉडी इज होवरिंग एट अ हाइट ऑफ 3h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। When a small hole is opened near the bottom of the tank, the water level falls at the rate of 1 cm per second. The bird will perceive that image velocity is. चलो तो मेरे पास एक डाउट है, एक डाउट आ रहा है सुशांत का, क्वेश्चन करने चाहिए क्या, सारे क्वेश्चन करने चाहिए, और पुष्कर का डाउट था 36। तो मैंने 36 अभी क्वेश्चन पढ़ा, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या करा, कैसे करा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आया आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ आ गया सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ सर ये नीचे एक सिल्वरिंग टाइप का मिरर है, ऊपर बर्ड है, और बर्ड का जो डिस्टेंस दिया है वो 3h है। हाँ लेट्स से हम मान लेते हैं कि जो फील्ड है वाटर, इसमें कुछ डिस्टेंस दिया है, मतलब एच मान लेते हैं। हाँ तो फिर वो सबसे पहले अगर वो देखेगा अपनी इमेज को तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके देखेगा। फिर से बोलो। तो जो अपनी वेलोसिटी देखेगा तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके देखेगा, तो इसमें रिफ्लेक्शन भी होगा। हाँ तो फिर सर ये सॉल्व करने से अच्छे से बोलो, मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हो आप, एंड में क्या बोला, इतना कम आवाज में क्यों बोल रहे हो।
क्वेश्चन समझाओ मुझे वापस से। हेलो सर। हाँ बोलो सर। वो जब देखेगा अपनी इमेज को तो एक्स डिस्टेंस कम होगी। वो अपनी इमेज को देखेगा, कौन किसको देख रहा है? बर्ड देख रहा अपने को। बर्ड देख रहा है अपनी इमेज को, वेरी गुड, है ना। तो बर्ड की इमेज बर्ड को कहाँ दिखेगी वो निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। ठीक है बताओ कैसे निकालू। ये वन इंटू ये अपन एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, है ना। एक्स और वाई मान लिया, चलो क्या करो, वन इंटू बाई वाई वन प्लस एक्स बाई वन एक्स बाई वन एक्स बाई म्यू प्लस एक्स बाई म्यू। हाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नहीं नहीं रुको रुको रुको, पहले तो मिरर बर्ड की इमेज बनाएगा, तो मिरर को बर्ड का दिखेगा पहले ये निकालना पड़ेगा। हाँ मतलब नीचे बने। हाँ तो मिरर को बर्ड का दिखेगा ये बताओ पहले तो। अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, पहले तो ये चीज देखना पड़ेगी अपन को कि मिरर को बर्ड का दिख रहा है तो तभी तो मिरर उसकी इमेज बनाएगा ना। मिरर ने इमेज कहाँ बनाई पहले तो वो सोचना पड़ेगा अपन को। ठीक है तो मिरर को बर्ड का दिखेगा ये बताओ पहले, ये कैसे लिखूं? बोलो ये कैसे लिखे जल्दी बताओ, मेरे पास अथर्व का आंसर आ रहा है, स्पर्श का आ रहा है। चलो ये कैसे लिखते हैं, मिरर देख रहा है तो मिरर के सामने म्यू मीडियम है, मिरर म्यू से देखेगा, है ना। मिरर के सामने म्यू मीडियम है और एक्स डिस्टेंस फिर म्यू में है और वाई डिस्टेंस एयर में है तो ये आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस म्यू वाई। मिरर को लगेगा कि बर्ड यहां पर है तो मिरर ने उतनी डिस्टेंस पीछे बर्ड की इमेज बना दी, बर्ड की इमेज बन गई उतनी डिस्टेंस पीछे, ये समझ लो, मान लो इमेज है कितने डिस्टेंस पे, एक्स प्लस म्यू वाई। समझ में आएगा ये? Yes, sir. है ना। अब बर्ड को इस इमेज को दिखाओ, बर्ड इस इमेज को दिखेगा तो बर्ड को कहा दिखेगी ये? तो अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज सीन बाय बर्ड। अब बर्ड अपनी इमेज को देख रहा है, चलो क्या करूं क्या लिखूं? बर्ड कहां से देख रहा है? एयर से। y डिस्टेंस एयर में, x डिस्टेंस म्यू में है और ये डिस्टेंस किस मीडियम में मानेंगे अपन? मिरर के पीछे वही मानते हैं जो मिरर के आगे मीडियम है, म्यू। बस तो ये आ गई अपेरेंट डिस्टेंस। ठीक है अब अपेरेंट डिस्टेंस आ गई, इसको डिफरेंशिएट कर देना तो अपेरेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्टेंस आ रही देखो ये y प्लस x बाय म्यू प्लस x बाय म्यू प्लस y, तो अपेरेंट डिस्टेंस आ रही 2 टाइम्स ऑफ y प्लस x बाय म्यू, तो अपेरेंट वेलोसिटी वो इसको डिफरेंशिएट कर देना तो 2 टाइम dy बाय dt प्लस 1 अपॉन म्यू टाइम dx बाय dt। अब तुम्हारा काम बचा है dy बाय dt और dx बाय dt को उठा के रखना। ठीक है तो अब क्या करोगे, dy बाय dt और dx बाय dt क्या है ये बताओ मुझको। तेरे ये dy बाय dt तो जीरो हो जाएगा, क्यों नहीं प्लस प्लस ना जीरो? हाँ मतलब ये dx बाय dt तो माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। हाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, dx बाय dt माइनस 1 हो जाएगा और dy बाय dt प्लस 1 हो जाएगा, है ना। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है चलो, तो गलतियां समझ में आ रही है और कैसे करना चाहिए समझ में आ रहा है? यस सर हां समझ में। वेरी गुड चलो, और क्या मेरे पास 35 भी बोल रहा था कोई, 35 है क्या डाउट? क्वेश्चन नंबर 35 भी डाउट है क्या? बता दो फिल इन द ब्लैंक्स में कोई और डाउट बचा है क्या? 33 आ रहा है मेरे पास, 33 देखते हैं। 33 स्लैब ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इज शोन इन द फिगर, है कर्व सरफेस एपीबी ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 एंड द प्लेन सरफेस सीडी ऑन द लेफ्ट ऑफ एपी इज एयर एंड द राइट ऑफ सीडी वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन इन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर ऑन द प्रोपोल इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज ऑफ ओ फ्रॉम पी एज व्यूड फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा तो कोई ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट से देखना है ना, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उन्होंने? बीच में कहीं रखा है।
ठीक है, ऑब्जेक्ट म्यू इक्वल टू 2 के मीडियम में रखा है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल रखा है, तो मतलब बस गॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगा दो एक बार, हो जाएगा। आयुष इसमें समस्या क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट से लाइट रे कर्व सरफेस पे टकराकर बाहर जाएगी, है ना। ऑब्जेक्ट को कहां से देखना है? व्यूड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से देखना है, तो लेफ्ट साइड में कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस से रिफ्रेक्शन फॉर्मूला लगा दो। आयुष पूछ रहा है ऑब्जेक्ट के लेफ्ट से या अपने लेफ्ट से। देखो कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं कि ऑब्जेक्ट से लेफ्ट से, तो अपन तो ये मानेंगे कि ऊपर से देखने पर लेफ्ट, मतलब कि हमारा लेफ्ट, हमारे लेफ्ट से देखेंगे तो कर्व सरफेस से रिफ्रेक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो और बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स में सब हो गए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में कोई डाउट, ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन बता दो इन सब में कुछ हो तो। सर हाँ सर, एक क्वेश्चन 39 ट्रू फॉल्स में कि इमेज फॉर्मड इन अ प्लेन मिरर मस्ट हैव सेम स्पीड एज द ऑब्जेक्ट हैज। हाँ सर, ये ट्रू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल सही। हाँ आंसर दिया हुआ है। हाँ आंसर फॉल्स दिया हुआ है इसमें, ट्रू है, गलत दिया उन्होंने, फॉल्स दिया। तो सर हाँ सर, इसमें ये वाला जो अभी ये था प्लेन में, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड सेम होनी चाहिए, तो सर ये फॉल्स होगा क्योंकि हमें मिरर के बारे में तो बताया ही नहीं है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तुम्हारा पॉइंट 100% सही है, एक मिनट, बिल्कुल सही, मैंने सोचा ही नहीं था यार, सही बात बोल रहे हो आप। द इमेज फॉर्मड इन प्लेन मिरर मस्ट हैव सेम स्पीड एज द ऑब्जेक्ट हैज, यू आर 100% करेक्ट, आई वॉज रॉन्ग, सॉरी। सो इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स, बिल्कुल सही, मैंने गलत, सॉरी माई मिस्टेक, ऐसी गलती होना नहीं चाहिए थी यार मेरे से, सॉरी। चलो तो क्लियर अब नमित? हाँ सर क्लियर। और सर 31 में यही लिखा, यही बोलना चाह रहा है ना वो कि मतलब प्लेन मिरर लेटरल इन्वर्जन कर देता है। किसमें? 41 में? हाँ सर, प्लेन मिरर चेंजेस राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज वाइज वर्सा। हाँ शायद ऐसे कुछ कहना चाह रही है, ठीक है, मतलब इनको ढंग से लिखना चाहिए कि कहना क्या चाह रही है, मतलब लग तो यही रहा है कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि एक्स वाई से ऊपर जेड आता है। अब अपन जब मान लो कि एक्स एक्सिस इधर था, वाई एक्सिस ऐसा था, तो प्लेन मिरर में उसकी इमेज से वाई एक्सिस अंदर की तरफ बन जाएगा, तो एक्स और वाई का क्रॉस प्रोडक्ट नीचे दे देगा, पर जेड तो ऊपर ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंडेड हो गया एक तरह से, है ना, तो वो सही बोल रहा है वो। ठीक है सर, ठीक है। और कोई डाउट? 47 आया मेरे पास। The images formed by total internal reflections are much brighter than those formed by mirror or lens. ठीक है, देखो लेंस भी क्या करता है, लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों कराता है, हर सरफेस पे ग्लास पे लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन भी होता है, और TIR में 100% रिफ्लेक्शन होता है, तो TIR में ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट टू देखते, देर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन TIR, तो मुझे लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर ए होना चाहिए, दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तो इसका आंसर शायद ए बोलते हैं वो, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो वन होना चाहिए इसका आंसर ए, ठीक है। चलो और कोई डाउट? सर हाँ, एक थ्योरी में डाउट पूछना था थोड़ा। हाँ बोलो सर, जो अपना डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ना, हाँ उसके अंदर मान लो हमने सबसे लीस्ट पॉसिबल डी ले लिया, मतलब 4f ले लिया। अच्छा, पर अपन को तो f पता ही नहीं है, तो 4f कैसे ले सकते हैं अपन? अभी के लिए मान लेते हैं f पता है। अच्छा ठीक है चलो। हाँ हाँ, तो हाँ, हमने एग्जैक्टली या फिर मान लेते कोइंसिडेंस से वो 4f पे ही रख दिया हमने, कोइंसिडेंस से 4f पे रख दिया अपन ने, ठीक है चलो। हाँ तो उसकी एक ही इमेज बनेगी, मतलब उसके रिपीटेड रूट्स होंगे तो एक ही इमेज बनेगी। हाँ तो जब इमेज नहीं बन रही है, मतलब जब हाँ, थोड़ा ब्लर दिखेगा स्क्रीन पे,
तो हमको कैसे पता कि वो जो इमेज बन रही है फाइनल वो 4F से कम है कि 4F से ज्यादा है, उसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है किधर बन रही है। तो हम तो देखो पहली इमेज जो देखते हैं ना उसके लिए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट से छोटी बन जाए या ऑब्जेक्ट से बड़ी बन जाए। कुछ एक सिचुएशन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज तो दिखता है अपन को, इमेज का साइज भी दिखता है। तो हम ये प्रैक्टिकली ऐसा करेंगे नहीं ना भाई, जब 4F पे होगा एग्जैक्टली तो ऑब्जेक्ट के सेम साइज पे इमेज होगी, तो हमको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक तो 4F पे तो इक्वल साइज बनी, हाँ, पर मान लेते हैं हमने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया लेंस, हाँ, तो फिर स्क्रीन पे ब्लर इमेज हो जाएगी ना। हाँ, ब्लर इमेज हो जाएगी, पर वो जो इमेज बन रही है वो अगर स्क्रीन से पहले बनती थोड़ा और, तो भी तो ब्लर होता ना, तो वो तो 4F से कम हो गया। क्या 4F से कम हो गया मतलब? मतलब अगर जो इमेज बना रहा है लेंस, बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कुछ दिक्कत हुई है, देखते अगर अभी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए है ना, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा बीच में वो वाईफाई, थोड़ी देर चलेगा 2-5 मिनट पे बंद हो सकता है। तो जैसे जो इमेज बनी वो दूर बनती अगर स्क्रीन से तो भी ब्लर दिखती, और पास में बन जाती तो भी ब्लर दिखती। ठीक है, हाँ, तो हमें ये कैसे पता कि वो पास में नहीं बन रही है? अगर पास में बन जाए तो वो तो 4F से भी कम डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने d इक्वल टू 4F लिया है, d इक्वल टू 4F लिया है, और फिर हमने लेंस को शिफ्ट करा तो स्क्रीन पे प्रॉपर इमेज नहीं आई है ना। ठीक है, लेंस को शिफ्ट करा तो स्क्रीन पे प्रॉपर इमेज नहीं आई, वाईफाई बंद हो गया। अरे